देख रहे हैं एनएन न्यूज़ दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आइए देखते हैं खबर दिल्ली एनसीआर से। टीकरी बॉर्डर पर 27 नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन को अब 80 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी टीकरी बॉर्डर पर उसी तरह भारी पुलिस बल की तैनाती देखी जा सकती है जैसी 27 नवंबर के दिन देखी गई थी। आप देख सकते हैं जहां किसान आंदोलन की शुरुआत में केवल बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल को तैनात किया गया था, तो वहीं अब हर समय टीकरी बॉर्डर पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, जिसमें बैरिकेडिंग के बाद सीमेंट के ब्लॉक, कांटेदार जालियां, बड़े बड़े लोहे के कंटेनर और डंपर आदि लगाए गए हैं और अब भी पुलिस बल के साथ भारी मात्रा में आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही धरनास्थल से 1 किलोमीटर पहले टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजरने वाली रोड को पुलिस ने बड़े बड़े ट्रक लगाकर ब्लॉक कर रखा है और समय समय पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हालात का जायजा लेने पहुंचते हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक यह किसान आंदोलन जारी रहता है और कब तक टीकरी बॉर्डर पर इसी तरह पुलिस बल तैनात रहती है। ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहे एनएन न्यूज़ दिल्ली एनसीआर।